के बारे में और उसकी उपयोगिता इम्पोर्टेंस के बारे में ऑरिकुलर थेरेपी यानी ऑरिकुलर पर होने वाली थेरेपी। ऑरिकल मतलब कान, तो ये जो पद्धति सिर्फ कान पर उपचार देकर किसी रोगी को स्वस्थ कर सके वो ऑरिकुलर थेरेपी होगी। अब आप देखेंगे कान की अगर शेप, तो कान की शेप कैसी है, जैसी गर्भ में बच्चा उल्टा होता है उस तरह। यानी अगर ऐसा कोई रोग जो हेरिडिटरी है, जैसे अगर पिताजी को बीपी था तो जनरली बच्चे को भी बीपी हो जाता है और वो जनरली ठीक नहीं हो पाता, तो ऑरिकुलर थेरेपी में आप ऐसे केस में भी हेल्प कर सकते हैं। पिताजी की अगर सिर के बालों को जल्दी झड़ जाने की समस्या थी, गंजापन आ गया था, तो आप देखेंगे कि जो बेटा है वो भी 19, 20, 25 साल के अंदर उसके काफी हद तक बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी ऑरिकुलर थेरेपी मदद करती है। दूसरा आप देखेंगे तो जो कान की शेप है ये किडनी जैसी भी है। चाइनीज एक्यूप्रेशर ये मान्यता है कि पूरी बॉडी को यिन की सप्लाई, YIN, यिन यानी बॉडी फ्लूइड्स की सप्लाई किडनी यिन करती है, यानी राइट कान किडनी यिन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शरीर में जितने भी रोग जो यिन की कमी से आए हैं उनको भी आप ऑरिकुलर थेरेपी से ठीक कर सकते। इसी तरह चाइनीज एक्यूप्रेशर TCM ये मानता है कि जो पूरे शरीर की यांग है यानी वार्मथ है यानी गर्माहट है यानी ऊर्जा, यानी ऊर्जा का संचालन है, वो सारा किडनी यांग पर निर्भर करता है और लेफ्ट कान जो है वो किडनी यांग को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसा कोई भी रोग जो यांग की कमी से है उसको भी आप ऑरिकुलर थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, यानी इसमें यिन और यांग का संतुलन संभव है। इसके बाद और ऑरिकुलर थेरेपी की उपयोगिता को समझें। देखिए जो भी पहले सीखी पद्धतियां हैं, जैसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी करते थे, पैरों पे प्रेशर देते थे, हाथों पे प्रेशर देते थे, स्पाइन पे प्रेशर देते थे और रोगी ठीक होते थे। जैसा किसी ने अभी कहा न्यूरो थेरेपी सीखे हुए हैं, तो न्यूरोथेरेपी अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है, लेकिन क्या होता है एक पेशेंट को हमें काफी समय देना पड़ता है और शायद अगर 10 पेशेंट देख लिए जाएं तो फिर 11वें पेशेंट में ऐसा लगता है कि अब हमारी कोई न्यूरोथेरेपी कर, अब हमारी कोई रिफ्लेक्सोलॉजी कर। तो इसका मतलब यह है कि विद एज, अगर आज से हम 10 साल बाद देखें, अच्छा एक और ड्रॉबैक क्या है, आप आज अपने अंडर 2 स्टूडेंट तैयार करते हो तो वो पेशेंट के कान में बोलता है भाई मैं तुम्हारे घर पे आके कर दूंगा, मुझे 100 रुपए कम दे देना। तो यानी मेहनत आपकी, आज आप नेम फेम करके मेहनत करके एक ऐसे मुकाम में पहुंच रहे हो कि जहां आपका लेवल बढ़ जाना चाहिए वहां आपके ही सिखाए लोग आपको काटना शुरू कर देते। ऑरिकुलर थेरेपी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक पेशेंट को ट्रीट करने में शायद 1 से 2 मिनट का समय लगता, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि पेशेंट को रोज बुलाने की जरूरत ही नहीं, 7 दिन में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार इलाज की जरूरत, क्योंकि जो हम सीड लगा रहे हैं कान पे वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक हम लगाए रख सकते, तो पेशेंट अगर दूर से भी आ रहा है तो आपके पास आ सकते। सर अगर जैसे हमने पॉइंट लगाए हैं जी, सीड लगाए हैं, वो 1 हफ्ते तक आप कैरोल लगाए रह सकते, तो वो गीला होगा या नहाने के बाद दूसरा प्लस पॉइंट ये हो गया कि रोज रोज पेशेंट को आने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपके पास रेगुलर पेशेंट को आने की जरूरत, यानी दूसरे शहर का व्यक्ति भी आपके पास आके इलाज ले सकता। तीसरा इसका प्लस पॉइंट क्या, देखिए समझिएगा, मतलब मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी की हुई है, तो जब हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं ना, तो हमारी एक जो इमेज पेशेंट के सामने होती है, जैसे
40 मिनट के करीब का एक सेशन मुझे लगता था एक व्यक्ति को रिफ्लेक्सोलॉजी देने में, उसमें मजा बड़ा आता है। तब अगर आप रिफ्लेक्सोलॉजी जानते हैं और आप करते हैं और मैं फ्री हूं तो मैं करा दूंगा, ठीक है, वो बड़ा रिलैक्स बहुत आराम देती है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट जब आप अपना सेशन खत्म करते, बेटा 5 मिनट और कर दे इधर इधर थोड़ा सा, तो भाई उस वक्त ना एक थेरेपिस्ट एक हीलर के बदले फिर एक मसाज वाले की फीलिंग आ जाती है। जैसे न्यूरोथेरेपी भी करते हो आप टांगों पे बैक पे कर रहे हो ना, ये बेटा 5 मिनट और कर दे यार, बड़ा रिलैक्स मिल रहा। तो भाई थेरेपी का सेशन है, अब 21 स्ट्रोक देने हैं, 3 बारी प्रेस करना है, हमने वो कर दिया। पेशेंट इस बात को समझता ही नहीं, उसे ये लगता है कि लो ये ना जल्दीबाजी में रखता है, ठीक है। ऑरिकुलर थेरेपी में क्या है, यू बिकम एज अ हीलर, यू बिकम एज अ थेरेपिस्ट, आपको आराम से बैठना है, पेशेंट ने अपने आपने कान पे ट्रीटमेंट देना और पेशेंट ने चले जाना। इसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आप एक दिन में 10 20 50 100 पेशेंट भी देखते हो और आपके 8 घंटे भी नहीं बीतते, 100 पेशेंट देखने में 8 घंटे भी नहीं लगते। इसका प्लस पॉइंट ये है, अगर तो आप अर्निंग के लिए कर रहे हो एज अ थेरेपिस्ट, एज अ प्रोफेशनल हीलर भी आप कर रहे हो, तो भी एडवांटेज ये है कि पेशेंट को रोज आना नहीं पड़ता। अच्छा, आराम पहले दिन से पड़ता, आप जिसको भी आज सेशन दोगे और उसे बोलोगे 1 से 2 हफ्ते के बाद आओ, तो जब वो आएगा तो उसे पहले से आराम होगा, भले उसे सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, शियाटिका पेन हो, कुछ भी हो, ये एडवांटेज। जैसे सुजोग है उसमें, या ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें पेशेंट को रोज आना पड़ता है। मान लीजिए आज किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जलन होती है, आज आपने पहला सेशन दिया, अब आराम आने में आपको पता है कि हफ्ता 10 दिन तो वो ट्रीटमेंट ले तो आराम लगेगा, ठीक है, तो पेशेंट तो अगले दिन फिर आपके पास आ रहा है दोबारा वही ट्रीटमेंट लेने, और आके फिर कह रहे डॉक्टर कोई आराम तो है नहीं, फिर उससे अगले दिन आ रहे फिर कह रहे मुझे कोई आराम तो है नहीं। ऑरिकुलर थेरेपी में क्या है, आज आपने सीड लगा दी है तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है उसका, आज उसे लग रहा है मुझे कम आराम है, अगले दिन तक थोड़ा आराम आया, उससे अगले दिन तक थोड़ा और आया, तो जब हफ्ते 10 दिन बाद आपके पास आता है तो उसे काफी आराम हो चुका होता है। तो अगर पहले दिन उसे नहीं भी आराम आ रहा चूंकि सीड लगे हैं, चूंकि उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चल रहा है, तो 7 से 10 दिन में तो आराम देगा। इसका एक और प्लस पॉइंट है कि आज आपको, आज और कल में आपको हम लोग प्रोटोकॉल बनाना भी सिखाएंगे। कोई पेशेंट आ रहा है उसे फूड रिफ्लेक्स हो रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है उसे हेयर फॉल हो रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है उसे किडनी स्टोन है, कोई पेशेंट आ रहा है उसका बीपी हाई है, कोई पेशेंट आ रहा है उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, कोई पेशेंट आ रहा है उसको जॉइंट्स पेन है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, शियाटिका पेन है, आपको हम प्रोटोकॉल बनाने भी सिखाएंगे। तो जब शुरू में आप अपने अंडर किसी को रखें, उसे प्रोटोकॉल बनाना मत सिखाएं, सिर्फ पॉइंट की लोकेशन सिखाएं, तो क्या होगा, वो एज अ कंपाउंडर आपके पास काम कर सकता है, एज अ हीलर नहीं बनेगा। आपने क्या करना है, पेशेंट आएगा, उसने आपको प्रॉब्लम्स बताई, आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिख दिया और आपने इस प्रोटोकॉल को हैंड ओवर कर दिया, भाई ये पॉइंट लगा। अब इसके अंदर वो पेशेंट के घर जाके कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पेशेंट को पता है कि एक्चुअल में ट्रीटमेंट लिखने वाला, ट्रीटमेंट डिसाइड करने वाला व्यक्ति ये रहा, ये प्रोटोकॉल लिखेगा तभी कुछ हो सकता। तो ये प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि आपका पेशेंट आपके साथ जुड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात बताएं तो यूरोप के जो पॉल नॉजियर जी हैं, उन्होंने इस पद्धति को इन्वेंट किया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ऑरिकुलर थेरेपी को मानती है, ये बहुत बड़ी बात है, यानी जो इसकी ऑथेंटिसिटी है वो बहुत बड़ी है। एक और ड्रॉबैक आता है, बहुत सारे नेचुरोपैथी, ये सारी चीजें नेचुरल ट्रीटमेंट में आती हैं, तो मैं इन सबको नेचुरोपैथी में गिनता हूं। तो अब ये जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, इसका एक और ड्रॉबैक है कि बहुत सारे थेरेपिस्ट को ये प्रॉब्लम होती है कि लोग यकीन ही नहीं करते, हम क्या करें। तो ऑरिकुलर थेरेपी का एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको यकीन दिलाने के लिए 1 मिनट से ज्यादा चाहिए नहीं। पेशेंट आया, उसे गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यू डू नॉट रिक्वायर मोर देन अ मिनट टू प्रूव दैट कि ऑरिकुलर थेरेपी वर्क्स। ये इसकी एक और एडवांटेज, ठीक है। तो ये सारी एडवांटेजेस जो हैं वो आज और कल की जो ये ट्रेनिंग है इसके अंदर आप सबके पास आ जाएंगे। एक और चीज को समझना है कि वी डू नॉट बिलीव इन मेकिंग फॉलोअर्स, वी बिलीव इन मेकिंग
टीचर्स, गुरुज। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आप चेले बने, हम चाहेंगे आप गुरु बने। तो इसके लिए जो भी आज और कल में हम आपको सिखाएंगे, उस ट्रेनिंग की आपको वीडियोस भी दे देंगे। उन वीडियोस को आप देखिए, जितनी बार मन करता है उतनी बार यहाँ सेंटर पर आइए, गौरव सर यहाँ होंगे, कान के पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी डाउट है आप पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। तो जब भी वहां पर आप कोई सवाल पूछोगे, साथ में आपको जवाब भी लिखना, सिर्फ पूछने वाला नहीं बनना। एसिडिटी के लिए क्या करें, तो आपको सिखा दिया होगा, तो आप आपके हिसाब से क्या प्रोटोकॉल बनता है आप वहां प्रोटोकॉल भी लिखोगे, तभी हम लोग की तरफ से हेल्प की जाएगी। सिर्फ सवाल लिखोगे, इट मींस फिर आदत क्या रहेगी, पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, सवाल ही पूछते रहेंगे। तो हम आपको जवाब देने वाला बनाएंगे कि ये प्रोटोकॉल लिया तो क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऑरिकुलर थेरेपी दूसरी जगह से सीखे लोग भी हमारे पास री अटेंड करने आते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि अच्छा एपिलिप्सी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताओ, तो वो मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल में रटा रटा है 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं पूछता हूँ ये पॉइंट क्यों लिया गया, पता नहीं, मैनुअल में लिखा है इसलिए लिया। अच्छा हाई बीपी है इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल लेंगे, ये जी ये 7 पॉइंट है ये लेंगे। अरे भाई अब हाई बीपी किडनी की वजह से है, हाई बीपी हार्ट की वजह से, हाई बीपी एंजाइटी की वजह से, हाई बीपी इंसोमिया की वजह से है, हाई बीपी एसिडिटी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से है, ये डिसाइड किए बिना ही आपने फिक्स 7 पॉइंट लगा दिए, तो 5 लोगों का बीपी ठीक होगा, 10 का नहीं ठीक होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस ऑथेंटिक हो, तो सिस्टमेटिक विधिवत प्रोटोकॉल बनाना जरूर आना चाहिए। और जो मैनुअल 2 आपको दी गई है वो पूरी की पूरी हाउ टू मेक प्रोटोकॉल है। और आज से ही, आज की इस ट्रेनिंग के एंड से पहले आप लोग आज प्रोटोकॉल बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग कान पर जो पॉइंट की लोकेशन है उसको पक्का करते हैं, ठीक है।